Hi, this is Tushar Hiranandani, the director of Sankiyak. Hi, this is Nidhi Parmar, the producer of Sankiyak, and you're watching us on Bollywood Spy. तुषार जी और नीति जी, आप दोनों का स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। पहले तो ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और देखा जाए तो आप लोग क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ऑडियंस है फिल्म देखने जाएगी तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन, डेफिनेटली हमारी एक अलग, उनकी एक अलग होती है और आपकी अलग होती है, तो बताइए क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितनी नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, क्या है? नर्वसनेस तो नहीं है, हम बहुत कॉन्फिडेंट है एक्चुअली हमारी पिक्चर को लेके, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ टेस्ट स्क्रीनिंग्स किए थे और हमने वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया। मैं अभी चाइना से होके आया हूँ, चाइना की ऑडियंस ने भी देखी वहाँ पे, और जो रिएक्शन और जो मिला है और जो इतना प्यार मिला हमको, वी आर वेरी हैप्पी विथ इट। और हमको लगता है कि हम जो ऑडियंस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी पिक्चर देखे और उनको लगे कि ये क्या अच्छी पिक्चर है, कि उन्होंने कोई मैसेज भी दिया पर एक एंटरटेनिंग मैनर में दिया। हमने एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है, दिवाली को सोच के ये पिक्चर बनाई कि दिवाली एक फैमिली क्लीन एंटरटेनिंग पिक्चर है, तो हमने वैसी पिक्चर बनाई, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दिस होप दैट द ऑडियंस ऑल्सो इन्जॉयज द फिल्म एज मच एज वी एन्जॉयड इट। या आई ऑल्सो फील दैट नर्वसनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें एक्साइटमेंट बहुत है। एंड हाँ, बस यही उम्मीद है कि हमने जितने प्यार से, जितनी ऑनेस्टी से ये पिक्चर बनाई है, वो ऑनेस्टी और वो प्यार ऑडियंस को दिखे और वो भी उतना ही अप्रिशिएट करे, उतना ही वार्म्थ फील करे जितना हमने फील किया था पहली बार दादियों को मिलके, बस वही उम्मीद है। डेफिनेटली वो तो मिलेगा ही। आगे मैं जानना चाहूँगी कि तापसी और भूमि को ही क्यों कास्ट किया गया? डेफिनेटली बहुत सारे आंसर्स आपने दिए हैं, लेकिन कुछ अलग आपने बात देखी, और कहीं ना कहीं लोग बोल भी रहे हैं कि बेसिकली तापसी और भूमि दे वर, इट्स नॉट लाइक हमने उनका सोचा और सीधा उनके पास गए, हम बहुत जगह गए थे, बहुत जगह से रिजेक्शन मिला, बहुत जगह कई लोग करना चाहते थे वो नहीं हो पाया फॉर फंडिंग वेरियस रीजंस, नहीं कुछ वर्कआउट हुआ। एंड में तापसी ने आगे से हमें अप्रोच किया, वो शी केम ऑन बोर्ड, उसके बाद फिर करते करते दूसरी लड़की के लिए स्ट्रगल हो रही थी, फाइनली भूमि केम ऑन बोर्ड। आई मीन इट वॉज नॉट लाइक हमने कॉन्शियसली उनको अप्रोच किया, दे जस्ट दिस फिल्म just went to them and they came on board. It was written, I guess, in our destiny and in their destiny, and it was the best thing that happened because उन दोनों ने इतना बढ़िया काम किया, एंड वो पर्सनली भी जो उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं वो दादियों से बहुत मेल खाती हैं। तापसी का वो that nature of, you know, saying, wearing her emotion on a sleeve and being impulsive and being मूफट, that is exactly how Prakashi Dadi is. Bhumi is a little, she is a more of a thinker, वो थोड़ा सोचती है, थोड़ी ज़्यादा शांत है, वो एकदम उनका मेल खाता था दादियों से बहुत, मतलब वो ब्यूटिफुली कैरेक्टर में बैठ गई, उन्होंने काम भी बहुत किया। मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक इट वॉज अ डिलाइट टू वर्क विद दैम बिकॉज दे वर सच ईजी एक्टर्स एंड दे वर सो हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट अबाउट द फिल्म दैट दे डिडंट गिव मी एनी ट्रबल। एज अ डायरेक्टर तुषार कैन आंसर द क्वेश्चन व्हाट ही फेल्ट, बट आई वॉज वेरी हैप्पी दैट वी गॉट अ ग्रेट स्टार कास्ट। मुझे तो यार लाइक आई सेड मेरी फेवरेट पिक्चर मदर इंडिया है, ओके, एंड मदर इंडिया मैंने ट्रिब्यूट भी दिया है मदर इंडिया को मेरी पिक्चर में। भूमि का इंट्रो सीन ही है जो वो मदर इंडिया टेंट में देख रही है, और उसमें नरगिस जी ने एक यंग, नरगिस जी अपनी प्राइम करियर के प्राइम में थी और यंग थी, उन्होंने एक यंग औरत से लेके ओल्ड औरत माँ का रोल प्ले किया था। सिमिलरली मेरी पिक्चर में भी आप देखोगे तो यंग भी है, उनका लाइफ जब चालू हुआ है और वहाँ से वो ओल्ड भी हो जाती है, तो आई ऑलवेज मॉडल्ड माई फिल्म अराउंड मदर इंडिया, आई एम सो इंस्पायर्ड बाई मदर इंडिया, तो मेरे लिए तो राइट ही हो गया था। इनफैक्ट वी वर ट्राइंग टू डू इट विद, बट इट डिडंट हैपन एंड इट सम फॉर अदर रीजन, मेनी रीजन्स आर देयर, अभी हुआ नहीं हुआ क्यों हुआ, बहुत एक्ट्रेसेस के पास हम गए नहीं हुआ, बट ये दोनों जितना एक्साइटमेंट हमें था ये पिक्चर बनाने के लिए, उतना ही एक्साइटमेंट उनके पर था। एज अ डायरेक्टर जब मैंने इन दोनों को नरेट किया, जितना एक्साइटमेंट उन्होंने दिखाया, आई कुड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर, और वो दिखता है आपको स्क्रीन पर। और आज उनके साथ लोग जो देखते हैं, मुझे लगता है नेगेटिव नहीं प्लस पॉइंट है कि लोग आके देखना चाहते हैं कि इन्होंने एक ये ओल्ड एज रोल कैसे किया। I think that is a plus point for my film. फिल्म के शूटिंग के दौरान अगर मैं बात करूँ तो दादी जी जो है प्रकाशी दादी चंद्र, उनका आना जाना था क्या, और था तो कुछ उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बताया आपको कि ऐसे कीजिए थोड़ा सा, अगर कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमने पहले ही जाके स्क्रिप्ट उनको सुनाई थी, उनकी फैमिली को सुनाई थी, उनका अप्रूवल लिया था, गाने सुनाए थे, पर हाँ जब मैं गया था लाइक हम एक तो एक पिक्चर बना रहे थे दो लेडीज़ के बारे में, ऊपर से दे आर 60 ईयर्स ओल्ड एंड दे आर फ्रॉम द विलेज, तो टोटल होता है ना टिपिकल कमर्शियल फिल्म में ये सब कोई लोग, दिस इज ऑल
check marks, that negative marks that you would not make it. But jab not to do list. This is not to do list exactly. But jab hum jaake milke aaye unko, itne commercial the dadi and they were so much full of life that I told her that we have to shoot this film. Hum why mein bhi shooting kar sakte the baju mein, kyunki ghar ke andar shoot kar rahe the. But I the feeling and the warmth and the excitement we got when we met dadis, I wanted my entire unit, not only the actors but my entire unit to feel the same. Unki energy bahut important. So humne janmuj ke shooting unke घर के बाजू में एक घर लिया और उसको पूरा कितना खर्चा करके, रवि श्रीवास्तव हमारे आर्ट डायरेक्टर है, मुझे लगता है उन्होंने खुद के पैसे डाल के बनाया है पिक्चर में डाले घर को सेटअप करने के लिए. इतना इंस्पायर्ड थे लोग जब वो आके मिले दादी से, तो उनको लगा सबको, पूरा यूनिट को, स्पॉट बॉय से लेके सबको, लाइटमैन को लगा कि यार क्या पिक्चर बना रहे. तो एक वो जो होता ना एक एनर्जी, एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ गया था, पूरा सेट ने सक इन कर लिया था कि हमको ये पिक्चर क्या कमाल की पिक्चर बन रही. तो दैट शोज ऑन द स्क्रीन. तो हमको बहुत इनफैक्ट एडवांटेज हुआ कि हमने वहाँ शूट. और वो नेक्स्ट डोर रहती थी तो इट वॉज वेरी इजी. लंच रोज़ उनके घर ही होता था हमारा, उनके घर पहुंच जाते थे, जिसका भी दिल करता था वहाँ पे पहुंच जाता था चाय पानी के लिए. एंड दे दादीज भी आती जाती रहती थी, दादीज की फैमिली, बेटियाँ भी, शिफाली और शिफाली का हस्बैंड सुमित, सीमा जी, सब आते रहते थे. इट वॉज अ वेरी, इट वॉज शॉट लाइक अ फैमिली, सब ने फैमिली की तरह ही काम किया. और पिक्चर में आई थिंक आप देखेंगे तो एनर्जी भी आपको वैसी ही मिलेगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से बनी है पूरी पिक्चर. कहीं ना कहीं कंगना ने भी बोला है कि उनके पास आई थी ऑफर, लेकिन उन्होंने बोला था कि मीना गुप्ता और नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था. यस आई डिड गो टू हर, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट उन्होंने क्या कहा था मैंने. पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि नीना गुप्ता और इनके हाथ में आएगी. इनफैक्ट उन्होंने कुछ और ही कहा था. इट डिडंट वर्क आउट फॉर व्हाटएवर रीजंस, वी डोंट हैव टू गेट इनटू इट, बट वी बोथ थिंक शी इज अ फिनोमिनल एक्टर, मे बी एट सम पॉइंट फ्यूचर में कभी काम कर पाएंगे. पर इस पिक्चर का मैं सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट पीपल हु आर नॉट इन द फिल्म, लेट्स टॉक अबाउट द टू दैट हु हैड द गट्स, हु हैड द बिलीफ इन द फिल्म टू गो अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड एक्ट. लेट्स गिव देम द ग्लोरी एंड लेट्स ओनली टॉक अबाउट भूमि एंड तापसी. और साथ ही साथ जिस दिन फिल्म रिलीज हुई 25 को, उस दिन दो फिल्में और रिलीज हो रही हैं, हाउसफुल 4 और मेड इन चाइना. तो क्लैश को लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आई एम श्योर, देखो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो अच्छी पिक्चर वो चलेगी, और मुझे लगता है तीनों अच्छी पिक्चर है. और दिवाली जो हम होता है एक सक्सेस पार्टी, मुझे लगता है तीनों पिक्चर साथ में सक्सेस पार्टी थ्रो करेंगे. तो हैप्पी दिवाली फॉर ऑल. और अच्छी बात है ना, आप देखिए हमारी इंडस्ट्री इस मुकाम पर पहुँच गई कि तीन गुड, आज ऐसा टाइम आ गया कि तीन अच्छी पिक्चरें इकट्ठी आ रही हैं, क्योंकि सब कॉन्टेंट पर फोकस कर रहे हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप एंड वी आर वेरी सपोर्टिव ऑफ बोथ द फिल्म एंड ऑफकोर्स वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ आर ओन फिल्म इज वेल. सो लाइक he said me all three of us celebrate together, that will be the ideal Diwali. Main to chahunga ki chale Hausul ka, one of the writers main hi. Yeah, he's written Hausul as well. Mere ko to hai kya sab picture chale achhi hai, it's best for the industry ki sabki picture chale. Aur sath hi sath jaate jaate main janna chahungi aapse ki ye film ki teen cheeze, teen best part jo audience dekh ke enjoy karegi wo bata dijiye, jis wajah se audience kheche chale aaye. Ye bolegi bahut achhi tarah se. He's just tired of answering your question. But basically, I think इस फिल्म के, मैं बोल रही थी पहले भी, मैंने कहीं बोला था कि इस फिल्म के पांच रीज़न हैं ये पिक्चर आपको क्यों देखना चाहिए. चंद्रो दादी और प्रकाशी दादी, उनकी जो जर्नी है, जैसे उन्होंने लाइफ जी है, वो एक इतनी बढ़िया कहानी है कि वो डिज़र्व करती है लोगों तक पहुँचाना. हमारा काम था, हमने पहुँचा दिया. एंड इट डिज़र्व टू बी सीन, इट डिज़र्व द लव दैट वी हैव गिवन इन टू मेकिंग इट, दे डिज़र्व द लव. भूमि एंड तापसी, द वे दे हैव सरेंडर देमसेल्व टू द रोल्स, द वे दे हैव एक्टेड एंड बिकम चंद्रो दादी एंड प्रकाशी दादी, दे डिज़र्व टू बी सीन. एंड द लास्ट रीज़न इज तुषार, who's made this film so entertaining. He's made it so commercial, he's made it so light, he's made a clean U film which we've got the U certificate without any cuts. It's a happy, feel good, motivational, inspirational film for a Diwali audience. And I'm pretty sure that we are very confident that everybody who sees the film will enjoy it and give it love, because abhi tak jitni screenings hui hain, jitna reaction aaya, bahut positive aaya hai, bahut achhi energy mili, aur hum chahte hain ki wo continued rahe Diwali pe bhi. And I'm pretty sure ki jo bhi picture dekhega wo disappoint nahi होएगा. सो रियली रियली होप तुमको वर्ड ऑफ माउथ का बहुत ज्यादा, वी आर होपिंग फॉर दैट, वुड वी आर होपिंग फॉर दैट एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द, थैंक यू थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग.